स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। आप सभी सुखी हो, निरोग हो, इसी शुभ मंगल कामना के साथ दोस्तों चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में शिवलिंग देखना। अगर सावन में सपना देख रहे हैं आप या आपको ये कई बार देख चुका है सावन में, तो दोस्तों इसका क्या अर्थ है। दोस्तों वैसे भी भगवान का दर्शन होना अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है, और बात करें सपने में तो सपने में भी बहुत सारी चीज़ें तो लोगों को दिख जाती हैं, लेकिन ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे पूजा पाठ, भगवान का दर्शन होना, ये बहुत ही कम लोगों को ऐसे सपने दिख पाते हैं। अगर आपने देखा है तो शिव कृपा प्राप्ति का संकेत है शिवलिंग देखना। ये निश्चित ही आपके जीवन में धन लाभ होने का संकेत है। आपका भाग्य अभी तक नहीं उदय हुआ तो दोस्तों आपको जल्द ही दिखेगा कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपका जो भी काम है उसमें आपको सफलता प्राप्त हो रही है। बेलपत्र चढ़ाते हुए ये आपको जल्दी आपके शुभ कार्यों का शुभ फल मिलने का संकेत है। अगर आपने सपने में देखा है शिवलिंग तो ये आपके जीवन की परेशानियां भी कम होने का संकेत देता है। जल्दी आपके जीवन की जो बढ़ी हुई लंबे समय से परेशानियाँ हैं नहीं कम हो रही, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, दोस्तों उसमें आपको जल्द ही लाभ होने वाला है, महादेव की कृपा बरसने वाली है। अगर आपने सपने में देखा है शिवलिंग तो आप ज़रूर मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध दही घी इत्यादि चढ़ाकर अभिषेक करें। बिलपत्र, शमी पत्र, तुलसी की मंजरी पत्ती आदि अर्पित करते हुए महादेव की पूजा करें। सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद रंग का वस्त्र, सफ़ेद भोग महादेव को बहुत प्रिय है, तो आप इन चीज़ों को अर्पित करें और महादेव का कोई स्तोत्र पढ़ सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, उनके मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन का दुख दारिद्र समाप्त होगा और आपका महादेव कल्याण करेंगे। आपने कोई सपना देखा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार।